अच्छे भी आएंगे घटिया भी आएंगे। अब उन विचारों में न उलझने का नाम ज्ञान है। आते एंजॉय करो, अरे लेकिन सावधान रहो कि हैं क्या, अच्छा है कोई घटिया है कोई बढ़िया है, तो उनमें उलझो मत। उसकी डाटे से उसको ऐसा कहा ऐसा उसने ये कहा ये ऐसा उलझो उसको, ऐसा आइए बता रुक नहीं सकते। हमारी जिद जिंदगी है, पर हमने घटिया को तो ज़्यादा इंटरटेन नहीं करना है, और बढ़िया अगर इधर रहते हो तो बढ़िया करो, इस लोग का मजा लेगा, सुंदर अच्छे विचार। ये कब तक, जब तक इस लोग की रुचि है, जब इस लोग की रुचि खत्म हो जाए उस वक्त फिर न घटिया न बढ़िया दोनों से उपरा मुझे आएंगे उपरा मुझे। तो लाइफ को ये कि ये आदमी के हर एक आदमी के अलग अलग नेचर है, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग कर्म है, उनको इंटरटेन करने के लिए आ रहा है। घर के जितने सदस्य उनके अलग है। मैं कहता हूँ कि घर में बड़ी शांति हो, सुमति हो, सब कुछ हो, लेकिन नेचर है वो तो होगी संत। तो आपके जो विचार हों वाइफ के दूसरे होंगे, वो इकट्ठा रहने के लिए एडजस्ट होना है, कोई भी एडजस्ट इन लाइफ। अगर उसके विचार कुछ और उसके मुताबिक आपकी इंटरेस्ट नहीं होती है, अब उसके उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए उसकी तेज बुद्धि उसके साथ कोऑपरेट कर, अगर वो स्वीकार कर लेती है इसी तरह स्वीकार कर ले उसकी, मतलब उसकी आदत करके रखो यार की यारी से, मतलब न कोई उसकी वाइफ है न कोई बच्चा है न कोई देना है न देना है, सब खेल है खेल खेला रही। ऐसा करने से वो मज़ा नहीं आएगा, तो माया के अंदर उतना बहुत जरूरी है। माया के बगैर कुछ है नहीं, माया जो मोती है अटमोरी है तो कुछ जिंदगी नहीं। अगर घर हमको बहुत अच्छा लग रहा है मोता अच्छा, उसके बगैर जिंदगी नहीं। देखा है घर से हो बेटे से हो पति से हो पत्नी से हो, मोह होगा तो हम यहाँ पर आनंद नहीं है जरूर, उसमें क्या रहेगा अटैचमेंट रह जाएगा। तो ये दो रास्ते हैं, एक तो है सदा के लिए यहाँ से ये नाते वगैरह इस चीज़ हैं उनको ड्रॉप कर दें, ये है नहीं मान लेता है कोई है नहीं किसी का, ये तो है राग। अरे राग का मतलब ये है कि मेरा भाई है मेरा घर है मेरा परिवार है मेरा ये है मेरा ये, जरा मैंने बताया और क्या ये है मन का मंडल है। मैंने फकीर चंद जी को गुरु जी ने राधा स्वयं वाणी पढ़ा दी, अभी के मैं पूरा पूरी बात खोल के लिख दी उन्होंने कि कोई किसी का नहीं है ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं, उधर से राग दिलाया लेकिन साथ साथ गुरु से राग दिला दिया, उसको अनुराग कह दिया। गुरु से प्यार करना मतलब प्यार की एक आदत तो डालनी पड़ेगी ना, घर में भाई से प्यार करेंगे माँ से प्यार करेंगे बाप से प्यार करेंगे, अगर हमने प्यार किया ही नहीं है घर वालों से लोगों से तो हम इससे ब्रीद नहीं हो सकते। तो परमात्मा से हम कैसे प्यार करेंगे, ये आदत ही नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, इस्लाम धर्म में होता है तो दो मार्ग से इस्लाम धर्म में होता है, उनमें से होता है एक तो इसके मिजाजी एक इसकी हकीकी, एक तो दुनिया की चीज़ों से प्यार करना जो तो परमात्मा ने दी हमको उनके साथ प्यार, भाई है बहन है माँ है बाप है उनसे, तो वो कहते ही अनिवार्य है। अगर बिल्कुल सरते आदमी जलते वो जैसे सुखदेव था रूखा हो गया तो उसकी इस लाइफ इसकी जिंदगी लाइफ नहीं, इस लोग को लाइफ नहीं, वो उसने सब कभी कमाई पूरी कर ली थी, वो लास्ट टाइम पर आया था माँ के पेट में उसको ज्ञान मिलता गया सुनती नहीं वो सब कुछ करता, तो उसकी रुचि हुई नहीं कि मैं पैदा हूँ ये रुचि नहीं है क्या करूँ दुखी हूँ। वो एक्सेप्शनल आदमी होते हैं एक आदमी हज़ार लाखों में एक बार कहीं आखिरी, आम आदमी के लिए है जानबूझ कर के हम ड्यू रेस्पेक्ट करें उचित, अति हर चीज़ ये ख़राब है, एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज बैड, ज़्यादा प्रेम पति से पत्नी से करेगा वो भी ख़राब हो जाएगा, पति से कुछ करेगा वो भी जाएगा वैसे, क्योंकि जहाँ ज़्यादा होगा वो कम हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा होता है ना फिर वो रुचि ख़त्म हो जाती है, दुनिया अपवाद नहीं होता। जानबूझ करके ड्रामा करना, अब देखो ये आपकी पिक्चर हैं उनमें जानबूझ के ड्रामा करते हो, लड़की है उसके एक बच्चा घर में आदमी खिलाता है हो सोजा मम्मी आएगी, और मम्मी उधर ड्रामा कर रही है प्रेमिका बंडी है किसी को दिखा रही है लोगों के मम्मी से आदमी प्यार करो शादी करूँगी, शादी हो रही है बच्चा पैदा हो रहा है वो ड्रामा कर रही है,
एक तो ड्रामा होता है और एक होता है ओरिजिनल अज्ञान के अंदर। उस दोनों ने कहा कि जिसने इसके मिजाजी नहीं किया इसकी हकीकी नहीं कर सकता। और तू तो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, पत्नी प्यार नहीं करता, कोई भी प्यार नहीं करता, प्यार का पता ही नहीं तेरे को, वो उसे कैसे करेगा। तो पहले इसके मिजाजी ज़रूरी है। इस लोक में ड्रामा है, खेल है, परमात्मा का प्रकृति का खेल है। इसको खेलो, खूब खेलो, और खेल से थक जाओ ना, खेल का थकना मतलब बैराग हो जाए, बैराग हो जाए तो फिर थोड़ा पकड़ की तरफ चलो। तो पहला इसकी मिजाजी, दुनिया की चीज़ों से प्यार, फिर है बैराग। बैराग बाहर का गुरु भी होता है, बैराग कुदरती को एक्सेप्शन खुद होता है, करोड़ों में एक तो होता है, जो पिछले जन्म में किया हुआ है वो इस जन्म में जल्दी शायद जाता है कुछ नहीं सब ऐसे ही। और पहले हमने इसके ताल्लुक रखना, उचित तो काम है हमारा, मर्यादा जैसे रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो मर्यादा जो है उसमें क्या मर्यादा है, वहाँ तो कोई रूल सुल है ही नहीं। कहते गोल्डन प्रिंसिपल है, दिल नो प्रिंसिपल, चौंधरी सिद्धांत वो जा कोई सिद्धांत नहीं था। तो तू गाड़ी चलाता है तो सिद्धांत है कि पहले तू क्या करेगा, तो तिरत दबाएगा, फिर गियर लगाएगा, फिर चलाएगा, फिर रफ्तार देखेगा, चलता है ग्रेजुअली। एक आदत तो जाती है उसको, किसका बगैर चलते अपने शरीर पीता जाता है, गियर लगाता जाता है, आदतों में ज़्यादा समझ आता है। तो इस लोक के बारे में जो बता रहा हूँ आपको, ये लोक जो है ये बड़ा टेढ़ा है, इसके अंदर जो काम करना बड़ी बहुत बसा है, तो मिक्स हो रहे हैं मामले कई। इधर तो हम वो चाहते हैं सिद्धांत चाहते हैं, रामायण मन का मंडल वाली बात चाहते हैं कि हम ऐसे हम बाप ऐसा हो बेटा हो। उधर ये है कि पिछले जन्म में जो हमने किया है उसका बदला है, यहाँ पर इधर बदला है, अब मिक्स होगी ना बात। तो अब इसका भी ज्ञान हो, वो भी ज्ञान हो, इसका नाम सत्संग है। सत्संग बताया जाए, किसी दिन सत्संग देता तो ये सत्संग देना कि ये वैराग का दे देना, इस लोग का लेना देना भाई कुछ याद था लोग ने आइडिया दे दिया, और किसी दिन दे देगा इस दिल्ली को अच्छा जिंदा दिल दियो प्यार से, और किसी दिन रहस्य बता देना कि ये तुम चाहते हो और तुम्हारा तुम करना तो चाहिए, तुम उन्हें करते नहीं हो, नियम है कि तुम सत्कार करो अपनी माँ का बाप का सबका सम्मान करो, लेकिन नियम क्या करेगा, इधर तो आ रहे हैं देर देने के लिए, अब जो बाप बन के आ रहा है वो साथ तंग करने के लिए आ रहे हैं, पीछे का वो बदला है बाप बन के आ गया बच्चा कहाँ जाएगा, और ये बेटा बन के जो आया है वो छुपाने के लिए आ रहा है, पहले खाया उस बेटे का बेटा बन के आ गया उड़ाएगा खूब, और आप पीने से लगी तो आप छोटे छोटे देखेंगे वो बड़ी बड़ी खर्चा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, पूरा नहीं करेगा आपकी। हम तो मैं चाहते हैं सो उठो माँ को, मैं कहता हूँ माँ बाप को चनस पस करो ठीक है, मैं क्या बताता हूँ इसे, मैं मर्यादा बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, इज्जत देना होता था, ब्लेसिंग देना होता था, लेकिन देगा कहाँ, जब पीछे की दुश्मनी है वो तो दुख देगा, अच्छा नहीं लगेगा बाप बेटा अच्छा नहीं लगेगा, समझेंगे बात। ये तो इसका सत्संग है, बिना सत्संग विवेक न हो, कभी आप सत्संग बैराग का सुन लेते, कभी राग का सुन लेते, इस दुनिया में क्या हो रहा है इसका आपको छोरी तौर पर समझा दिया जाए, और समझाएगा वो जो खुद अनुभवी है, समझता है अनुभव, समझाने से फिर क्या होगा कि भाव आते हैं उसमें भावोगे, इसमें दुख भी है सुख भी है सब, इसमें नेम भी है बगैर नेम भी है, बगैर नेम क्यों है, वो लेन देने का लोग है, हम सोचे ऐसा होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ सो एक हो ये करो माँ को चरण स्पर्श करो सब कुछ करो बिल्कुल से, ये बड़ी प्यारी लाइफ है, उसको ज़िंदगी में स्वाद आता है, प्यारी लाइफ है उसमें, इसमें क्या होगा शांति रहेगी, एक दूसरे को सम्मान करेगी, घर में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और ये तो उनके लिए है जिनके शुभ कर्म करने के लिए गुरु ड्रामा करेंगे, होना तो ये चाहिए। और जब फिर आखिरी टाइम उम्र ज्यादा हो जाती है उस वक्त फिर बैराग मीठा बैराग वो भागने वाला थे, पहले भाग जाते थे घर छोड़ करके भाग जाते थे, तो खाने की आदत थी मांगो और खाओ मांगो और खाओ, कलियों को संतुल गए ये करके रहे हो, तुम जो खाते हो उनका पता नहीं किसका कैसा दाना है, वैसे तुम्हारा मन हो जाएगा, तुम निकले तो महात्मा बनने के लिए, और ऐसे आदमी का अन्न खाओगे तो तुम्हारे बेईमानी आ जाएगी, तुम धोखा देना आ जाएगा, धोखे का धोखे का कमा के रहा है, तभी कलियुग का संतुलता है, रोजी रोटी कमा के खाओगे नहीं बात, और सब कर नहीं हो सकता, तू देखता है बस एक जगह है देखते हैं पति है पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं करता, पत्नी है पति के साथ नहीं करती, पत्नी है उसकी आदत खराब है, पति नहीं चाहता मेरे शिवा किसी भी तो प्यार करे, अब कोई पहले का है
इसमें बैलेंस रह नहीं सकता, इसमें ज्ञान गुरु है आपको, समझ बात समझ लीजिए, ये गुरु इस लोक में शांति सुख जो मिला आपको ज्ञान से मिलेगा। ज्ञान क्या समझेगा, जो हो रहा है वो सच है, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, घर में भी करना पड़ेगा और बाहर भी करना पड़ेगा। जितने तेरे को आज काम करने वाले मिलेंगे वो सब नहीं मिलेंगे, तो करे वैसे करने वाले नहीं मिलेंगे, तो काम तो उनसे करना ही है। अब रिश्तेदारी बात करते हैं तो वो तो करनी है रिश्तेदारी, और जो क्षमता हो जाएगा उसकी क्या तकलीफ है, वो तकलीफ नहीं समझे ये है ये है, हम देखते रहो क्यों उठा जाता है, तो हम खुदा थोड़ी हम कोई वो नहीं कहीं खुशी निरीक्षण करें, पर वो कर्म के अनुसार हम काम कर लेते हैं। तो दो चीज़ें इसके लिए, एक तो राग है, एक अनुराग कर दिया, अनुराग कर दिया कि गुरु से प्रेम करना, वो प्रेम जो करना है वो गुरु से करना। वो कहते हैं कि गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं छोटे, रात समझ में कहा गुरु का ध्यान दे, क्यों तो बगैर उससे छूटेगा नहीं, बाकी वो तो एक मरकज बना दे एक जगह, उससे ज़्यादा उससे करने से क्या बाकी सबका ढीला उतर रहे। सत्संग करो सत्संग ज्ञान मिलता रहे, तो सत्संग ही मुख्य चीज़ है कराने वाला और करने वाला, ताकि वो उससे समझ आ जाएगी कि ये आदमी हम जो बताए इस सिद्धांत से अलग क्यों चल रहा है, तो हम ये करें इसकी मजबूरी है, आइए समझ मजबूरी है, ये नहीं कि उसने नहीं तो जी ऐसा नहीं करता जी, ये अपनी माँ की सेवा नहीं करता जी, ये अपने भाई जी नहीं करता, ये फलाना नहीं करता, ये ऐसा है ऐसा करता, तो उसके लिए आप उससे ऊपर निकल जाएंगे क्या, कि उसकी उसकी बात ही नहीं है, कोई लेने देने कर सकता किसका माँ बेटा लेने देने का, ये ज्ञान ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो दोनों देखें दोनों हाथों लड़ लो, अरे ज्ञान से मिलेगा सत्संग से गौर से सुनने नहीं तो नहीं मिलेगा, अगौर से नहीं सुनते इसे अभ्यास बताया, अभ्यास करो शुरू कर ध्यान करो होने का करो, अब फिर आप फ्री कर दिया इस प्रणाम से मिर्जा बना लो, क्योंकि बात की समझ आई आदमी प्रकृति अलग अलग है, अब जिसको नहीं आया वो कहता गुरु ध्यान करो इसको पकड़ो, वो एक लकीर का फकीर है, वो नेचर नहीं जानता, वो लॉ ऑफ नेचर का पता नहीं है, तो उसको नेचर लॉ ऑफ नेचर यह है कि वो बस्ती उसकी बात नहीं है, हर आदमी चोर चोरी करता वो बहुत ख़राब बात है किसी का धर्म खराब, पर उसकी मजबूरी है जिसने उसका किया वो करेगा, है ना सर, तो इसका नाम ज्ञान है, समता समझता मिलेगी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये बात मन से सोच ली कि जो हो रहा है कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हाय हाय नहीं करेगा, जो चोर चोरी कर रहा है तो फिर जज क्यों बैठाते हैं जी, करने दो चोरी उसको, चोर चोरी कर रहा है तो न्यायालय पुलिस क्यों बनाई, वही पुलिस पुलिस बनाई किसने, वही तो पुलिस है और वो चोर है, वही मनुष्य वो परमात्मा चोर है, चोर का ड्रामा करे वो तो चोरी करने बगैर ड्रामा बनेगा नहीं, दुनिया बनेगी नहीं ऐसे, और सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे तो क्या उसको फायदा, हर तरह चोर भी है साहूकार भी है, दंड भी होना चाहिए उसको, ताकि वो जहर दंड मिलता नहीं तो नियम खत्म हो जाएगा, संसार का नियम नहीं चलेगा, कि चोरी कर लो सब चोरी चोरी हो जाएंगे, वो तो खास आदमी के समझने की बात है, जो आदमी इस लोक के कामों में उलझना नहीं चाहता, कर्म नहीं बढ़ाना चाहता, उसके लिए है, तो उसके बस की बात ही नहीं थी, परमात्मा करा वो परमात्मा को छोड़ देता सब सब कुछ उसके जो करता हो, ठीक है ये आखिरी चीज़ सरेंडर है, पहले करता नहीं सरेंडर, जब तो बुद्धि काम करेगी तो ऐसा होना चाहिए, जज को होना चाहिए, जज नहीं हूँ तो वैसे न्याय कौन करेगा, मतलब ये व्यवस्था रखने के लिए परमात्मा ही का खेल है, ये आखिरी टाइम ये समझिए कि ये परमात्मा ये जज बने वही तो, और वो चोर वही परमात्मा चोर बना हुआ है, और वो वकील बना हुआ जानवर बना हुआ है, जिसे देखता हूँ तो तू ही तू है, ये दृष्टि होगी, ज्ञान का नाम जो है गुरु है, ज्ञान से मनुष्य जो है वो बिल्कुल मुक्त होता है, ज्ञान के बगैर मुक्त नहीं होता, अब ज्ञान क्या है पता जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अनुचित चीज़ को हम क्यों लोक में रहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए मर्यादा चाहिए, मर्यादा की बात करो इन्वर्ट को मर्यादा की बात करो, आपके समझिए कि किसकी मर्यादा है उसका संख्या आइए को समझा, तो ये ज्ञान के वगैरह काम जाएगा मिलेगा भी शायद, ऐप देखने लग जाएगी कर्म मिल जाएगा, वो ऐप देखेंगे सोचेंगे ऐसे क्या सुन ऐसे क्या वो तो कर्म मिल जाएगा, नफरत करेंगे वो भी कर्म मिल जाएगा, प्रेम करेंगे वो भी कर्म मिल जाएगा, इस लोक के अंदर रहते हुए सुखी रहने के लिए केवल पॉजिटिव विचार बस।
ये बात, वो परमात्मा का तो ड्रामा नेगेटिव पॉजिटिव सब उसी का, उसका तो काम है अलग है अपना अलग। आदमी सुखी रहना चाहता है तो पॉजिटिव विचार दे, जिससे कि जो कुछ घटना घटे पॉजिटिव घटे, कोशिश ये करे। मेरे कर्म तो बनेगा, कर्म के रह नहीं सकता वो। तो जब तक दुनिया का स्वाद लेना है इसका, तो मन के मुंडल पर आ जाए, मन को मीठा बना लो, मन को मीठ बना लो, मन से मुझे नफरत या अकेजमेंट रखो, खुश रहो, अच्छे सोचो। गठिया कहता है उसको अच्छी बात करो, इस लोक का धर्म। और जो कहते नहीं तो वही ऐसे थोड़ा ही करेंगे, नले बदल आता तो इससे तंग करता है, फिर मार देगा हमको, तो वो तो उल्टी सोचते ही ना बात, ऐसे मार दे, मार कौन देगा उसको, मारेगा कौन, मरना को है ही नहीं। ऐसा मिश्री कह रहे हैं बता रहे हैं, इसी क्या ऐसा बात तो आप कर रहे हो, किसी को मतलब करो, वो थप्पड़ मारा आपका तब बंदूक लगा लो, बंदो जी बोले वाह दिया ऐसे मार देगा हमको, देखिए बात उसका मतलब है तो उसको माफ़ कर दो, समझे ना, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। ऐसे कोई किसी का थप्पड़ मारता कोई तो कारण होता है, तो उसको माफ़ कर दो यार, उसको माफ़ कर दो, नेगेटिव विचार नहीं होगा, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव पॉजिटिव कर्म होते हैं, सुख इस लोग का जिंदगी ठीक हो जाए। लोग का स्वाद देना खेल का है, तो पॉजिटिव विचार, सुख देने का विचार, नीतियों का अपराध विचार, जो आप जो ग्रंथ चाहती है ना वैसे कहते, रोम में जाते हो तो वैसे करो जैसे रोमन करते हैं वैसे, तो इस लोक में है तो इस लोक का विचार वैसे लोक नहीं गृहस्थी यहाँ पर आप फकीर ना कुछ बाबा तो और वो ज्ञान हो गया आपको कौन मेरा है यहाँ सब अपना देने के लिए। तो मेरा पहले नहीं हो करके पहले अनुराग बताया संतों, संत मतलब संत से प्यार करना होता है, चाहे पत्नी से प्यार कर ले वो सथूल काम है, और चाहे गुरु जी से प्यार कर ले वो सूक्ष्म काम है। गुरु जी को देख के दर्शन करना हुआ आ रहा था, मैं दर्शन कर रहा हूँ, मैंने क्यों मारे देखा कितनी दूर से मोटरसाइकिल पर धक्का खा गई, तो मैं नहीं चाहता भाई, फिर मैं सोचा नहीं आएगी उसको शांति नहीं मिलेगी, धक्का खा रही नहीं शांति मिलती थी उसको आ जाएंगे यूँ का, तो इधर ही कर लेना देख लेना इधर दर्शन कर लेना, पर वो रह नहीं सकते, उनका मन स्थिर नहीं है, वो समझ नहीं सकते उस बात को, तो समझने की शक्ति नहीं, तो समझने के लिए सत्संग दर्शन फर्शी हो रही है देख के बात। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आज आपको कि ये जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, हमारी बुद्धि है वो काट साट करती है, सही है करते है सही है, जिस विचार से मुझे सुख मिलता है वो अच्छा, जिसे दुख मिलता है आज सब अज्ञान का है, दुख सुख दोनों के दोनों अज्ञान के हैं, ज्ञान से न दुख न सुख, समझ से कि जब जो होता है सब कुछ ठीक हो रहा है तो ठीक है। तो ये वैराग राग दो चीज़ है, अगर अनुराग जो इन बीच का लगा दिया अनुराग कि गुरु के उस बनाए हुए जो परमात्मा के नियम उसमें से एक ही बना लो उससे प्यार प्यार, तो टेंशन बता दिया ना उसको, आखिरी टाइम ये बताया कि जो गुरु से प्यार करता वो भी वापस आ जाएगा आखिरी दर्द, तो समझ लिया गुरु ने, गुरु क्या है अंदर की तरफ चलो, तो दर्जे हैं पहले दर्जे में ठीक है मूर्ति बनाओ सतूल को यहाँ तक बनेगी, अगर मूर्ति नहीं है अगर प्रकाश को पकड़ लो, अगर उससे प्रकाश प्रकाश नहीं है तो वहाँ पर राम धुन को पकड़ लो, यानी अलग अलग ईश्वर से दिया टाइम दिया। और अंत समय में अगर मरते समय गुरु का ख्याल करोगे तो तुम वापस आ जाओगे इस लोक में, साथ संभाली दी तो कही है कि अंत समय फेरी पड़ती है, बड़ी शक्लें आती है जो मान्य आते हुए रूप आते हैं, जिस गुरु को मान्य है जिसे नाम दिया वो भी आ जाता है, सब भी सुना देता है, और जब फिर तुम श्री छोड़ के जाओगे तो फिर दोबारा अच्छी जगह जाओगे, फिर दोबारा और बाकी कमाई बाद में करोगे। तो वो कहते मैंने सोचा बाकी कमाई क्या है, यही फिर गुरु काम आ गया राम है अंत समय में, तो इन्हें कहा वो सथूल है, फिर कहते ये सथूल है गुरु का रूप, तो इससे वो जो तो वो इस जगह तो ऊपर जा नहीं सकते, उसकी हद है, कुछ हद के आगे कोई चीज़ आगे जा नहीं सकती, बहुत सूक्ष्म चीज़ जा सकती है, केवल सब अटैचमेंट कर जाओगे, कोई किसी का लगाव नहीं, किसी से प्यार नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सबसे न्यूट्रल, तब आप आगे सदा मुक्ति हो जाओ। तो एक जगह के बाद दूसरी जगह छोड़ देनी, दूसरी जगह छोड़ दी, तो ग्रेजुअली काम है, सबके लिए एक तरीका नहीं हो सकता, किसी के लिए विराग से कड़ी कराया हुआ विराग से काम जाए, किसी का राग से होगा राग करेगा वो कड़ी नियम समझेगा,
गुरु प्यार करेगा, मन इकट्ठा होगा, इस प्रेम आएगा, तब सुख संग चलेगी। और कहीं कहते रात आप स्वप्न में आगे थे, आगे उसके ही पर प्रेम हो गया बढ़िया हो गया, तो एक जगह टिक गया ना, बोले तरह तरह स्वप्न ही। जिसको गुरु का स्वरूप आ जाता है उसको जम नहीं आते, क्यों नहीं आते, मरते वो स्वरूप आ गया, जिसको मानते हो वो आ गया, हरदी हो गई गुरु जी का। तो जो अनेक विचार है वो नहीं है क्या, एक विचार उसको लग गया, तो उस वक्त मरते वक्त जो तैरनी नदी बताते हैं, कोई कटता हाथ कटता है, पैर कटता है, डूबते हैं, दुख देते हैं, लेकिन फिर वापस आओगे। क्यों? गुरु जो स्तूल वो फोटो जो बना रूप बना रहे हो उसको आगे जाने देगा नहीं, उसके साथ जा नहीं सकते, आगे नहीं जा सकता वो, तो आप मतलब फिर इधर हो पाओ। बाकी कमाई क्योंकि लगन वो था ना वो कर उम्र वाला, तो बाकी कमाई फिर करो, बाकी कमाई वही है, ये सत्संग करोगा, समझोगा, अनुभव करोगा। तो आज का सत्संग क्या था? समझाने के लिए था, यहाँ जो कुछ है वो सब उचित है, कुछ तो हम उचित समझते, कुछ नहीं क्यों बदले हुए हैं। रामायण पढ़ी लिखता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा नहीं, भागवत पढ़ेगी, मैं कहता हूँ भाई प्रेम करो मनुष्य का, तो परमात्मा है परमात्मा। एक भाई के साथ दुश्मनी है, वो किसका प्रेम करेगा, वो तो बेचारा वो काम कर रहे मजदूर है वो करने के लिए। हम चाहते हैं भाई के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, एक पिछले दिन ऋण देना उनका, वो जो आया है इधर वो बाप बढ़ गया, बेटा बढ़ गया, घर में आ गया, लेनी देनी अच्छा कर लिया, तो जो ये समझ आ जाए तो इसके बस की बात नहीं, मजबूरी उसकी मजबूरी वो ज्ञान से ठीक होगा, ज्ञान समझ आ जाएगी तो ये मेरे साथ लेनी देनी अच्छा। वो लावरा पंडित की बात खुली तो कह रहे पंडित जी ये क्या आपकी औरत से करी, रवि इसका तो ऋण देना हमारा, आपने जो बात समझ ली समझ मेरे से, ये तो पिछले दिन में मैंने इसको तंग किया, तंग करी मुझे बेटी की बेटी करी, औरत भी नहीं जाएगी कहाँ दिखा दी, बेटा भी नहीं जाएगा कहाँ दिखा दे, बाकी समझ बात इसके लिए। तो ये चीज अभी प्राप्त कर लो, अंत समय के लिए है वह, अभी जो रहते हो खेलो खूब पाल लो, सत्य क्यों लो, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं दोगे तो मिलेगा क्या, ध्यान दो, देने का तरीका ये जो पुस्तकों में लिखा वो तरीका है, सब एक बात नहीं लिखी, अलग अलग लिखा, जीवन के अलग अलग अंगों के ऊपर बात कही गई प्राकृतिक तरीके से, तो कहीं राधेश्वर मणि का सहारा दे दिया, कहीं कबीर साहब का सहारा दे दिया, कहीं सनातन का दे दिया, तो ये अलग अलग तरीके की जो थ्योरी थी वो सब शामिल कर दिया। तुमने आप जो सत्संग दिया तेरे पसंद आई, उस न कुछ इधर खराब है न कुछ अच्छा है, नथिंग गुड नथिंग बैड एज यू थिंक सो इट इज, न कुछ बुरा है न कुछ भला है, जैसा तुम मानता हो।